नमस्कार, मैं एनएसएस वॉलेंटियर पारुल पठानिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धर्मशाला से। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस नामक संकट से जूझ रहा है। न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व भर इस संकट से जूझ रहा है। कई सारे केसेस कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं, जिनमें से काफी केसेस तो सच है बट कुछ केसेस झूठे भी हैं। देखिए, ये समय देशवासियों को डराने का बिल्कुल भी नहीं है। ये समय है कि हम उन्हें बताएं कि वो कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। आप सबको अगर कोरोना वायरस से बचना है तो कृपया अपने घर के अंदर ही रहें। अगर किसी को बहुत जरूरी काम है तो वो घर के बाहर मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही निकले। आप बाहर का कुछ भी ना खाएं, जो घर पे बन रहा है वही खाएं। इसी के साथ आप अपने हैंड्स रेगुलरली वॉश करें और जो लोग बीमार हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अब कल 22 मार्च सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू में हम लोगों ने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है, रोड पे घूमने नहीं जाना है, अपनी सोसाइटी में किसी के साथ नहीं बैठना, ज्यादा सोशल नहीं होना। मतलब कल का दिन आपने अपनी फैमिलीज के साथ बिताना है। अपने घर में रहिए, अपनी फैमिलीज के साथ बातें कीजिए। बहुत कम टाइम मिलता है हमें फैमिली के साथ बैठने का। और हम सब संकल्प लेते हैं कि कल हम घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, अपने घर के अंदर ही रहेंगे, जनता कर्फ्यू को पूरा सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।